हेलो फ्रेंड्स नमस्कार एंड वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस मैं हूं कोमल गया सप्ताह बॉलीवुड के लिए कोई बहुत ज्यादा खुशखबरियां लेकर नहीं आया मर्दानी एक फिल्म थी जिस पर काफी आशाएं टिकी थी लेकिन इट डिड नॉट रियली स्टार्ट टू वेल बिकॉज विमेन विमेन सेंट्रिक सेंट्रिक सब्जेक्ट्स या फिल्मों को वैसे भी ओपनिंग कम मिलती है इस फिल्म का फर्स्ट डे नेट ऑल इंडिया टोटल था थ्री करोड़ एंड फोर्टी सिक्स लाख यानी साढ़े करोड़ से सिर्फ चार लाख कम दैट दॉ नॉट अ वेरी इंप्रेसिव स्टार्ट बट वुमन सेंट्रिक फिल्म इट वॉज अ बैड स्टार्ट आई दैटरडे को कलेक्शन बढ़ गए द इनक्रीज इन कलेक्शन वॉज अप्रॉक्सिमेटली टू द ट्यून ऑफ थर्टी एट परसेंट और सैटरडे का ऑल इंडिया टोटल हुआ फोर करोर एंड सेवेंटी नाइन लैक संडे को कलेक्शन और भी बढ़ गए इनफैक्ट सैटरडे से संडे तीस प्रतिशत ज्यादा थे कलेक्शन एंड संडे टोटल वॉज सिक्स करोर एंड ट्वेंटी वन लैख यानी डे बाय डे कलेक्शंस वेंट ऑन इंक्रीजिंग लेकिन फिर भी वो रफ्तार वो तेजी कलेक्शंस में देखने को नहीं मिली एंड इस तरह वीकेंड का टोटल हुआ फोर्टीन करोर फोर्टी सिक्स लैख जस्ट अ लिटिल शॉर्ट ऑफ साढ़े चौदह करोड़ यानी साढ़े चौदह करोड़ से सिर्फ चार लाख कम टोटल इज रीजनेबली गुड बट नॉट एज गुड एज वन वुड हेव एक्सपेक्टेड यशराज फिल्म की फिल्म टू डू कहने का मतलब है कि इन स्पाइट ऑफ नॉट हैविंग टू मच ऑफ कॉम्पिटिशन हालांकि डे वाइज कलेक्शन बढ़ते गए लेकिन फिर भी वो भीड़ देखने को नहीं मिली हमें सिनेमाघरों में जो कि यशराज फिल्म की फिल्मों में हम एक्सपेक्ट करते हैं आज कलेक्शन काफी गिर गए हैं कुछ जगह पर द फिल्म इज होल्डिंग वेल एंड दैट इज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास ऑडियंस एंड वन सेक्शन ऑफ द वेमन ऑडियंस वन सेक्शन ऑफ द वेमेन ऑडियंस को ये फिल्म अच्छी लगी है बिकॉज ऑफ़ द इंटेंशंस द इंटेंशन बिहाइंड द फिल्म आ नोबल एंड यहाँ पर हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने भी इस फिल्म को अपने फैमिली के साथ सिनेमाघर में देखा एंड यू वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय द फिल्म दैट ही इज डिसाइडेड टू ग्रांट इट टैक्स एग्जैमिशन इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ऑब्वियसली इस फिल्म को इस तरह का बेनिफिट मिलना जरूरी है एंड अगर एंटरटेनमेंट टैक्स एग्जे मिल जाता है अलग अलग स्टेट्स में तो डेफिनेटली इट हेल्प द बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस ऑफ दिस फिल्म वैसे इस फिल्म के बनने में प्रमोट होने में रिलीज होने में करीब 21 करोड़ रुपए की लागत है एंड 21 करोड़ पूरे होते हैं या नहीं ये तो आने वाले दिन ही दिखाएंगे बट सफाई से टू से दट अगर पूरे भी होते हैं दिस फिल्म विल नॉट मेक टू मच ऑफ अ प्रॉफिट बिकॉज ये अडल्ट सर्टिफाइड फिल्म है और इसलिए सैटेलाइट राइट से भी इस फिल्म को कुछ विशेष पैसा नहीं मिल सकता है एंड ओवरसीज ऑल्सो दिस इज डन जस्ट अबाउट ओके मीन वाइल सिंघम रिटर्न कंटिन्यूड टू वर्क इट्स मैजिक एट द बॉक्स ऑफिस पहले वीक में पहले सात दिन में सिंगम रिटर्न्स का नेट ऑल इंडिया टोटल हुआ था साढ़े एक सौ बारह करोड़ एंड लैक और सेकंड वीकेंड में यानी सेकंड वीकेंड के तीन दिनों में फ्राइडे सैटरडे संडे में इस फिल्म के कलेक्शन हुए करीब साढ़े पंद्रह करोड़ एंड दस दिनों का सिंगम रिटर्न्स का टोटल हो गया एक सौ अट्ठाईस करोड़ रुपए बाकी जो फिल्में लगी थी गए फ्राइडे को well मैड तो तो अब मिलते हमारे आज के से। दोस्तों गए फ्राइडे को एक और फिल्म रिलीज हुई थी बिसाइज मरदानी और वो थी मैड अबाउट डांस इस फिल्म के डांसिस के बड़े चर्चे हैं और आज इसी फिल्म की लीड पेर हमारे स्टूडियो में है

तब फरा Khan... आप खान... डायरेक्टर भी हैं फिल्म के इसलिए आपने ही ऑडिशन लिए जी मैंने ऑडिशन नहीं लिए तभी मैंने किसको बताया नहीं था अच्छा दैट यू आर गोइंग टू डायरेक्ट द फिल्म अच्छा आई हैड अ कास्टिंग डायरेक्टर एंड ही वाज टेकिंग ऑडिशंस ओके बट कोई मिला नहीं बिकॉज़ द स्टैंडर्ड ऑफ डांसिंग वी वर लुकिंग फॉर वाज वेरी हाई हाई तब फरा खान रिकमेंडेड हर टू मी अच्छा और आप फरा खान को कैसे जानती हैं बिकॉज़ आई हैड वर्कड विद हर प्रीवियसली ऑन आई यूज्ड टू बी अ प्रोफेशनल डांसर एंड The first time I came to Bombay was to dance in the film Kabhi Alvida Kehna. And that's how I met Farah Khan. Okay. And luckily she remembered me and she recommended my name to Sahil. Right. And so then you auditioned her or Farah Khan you ke immediately signed her? Yeah, yeah, and yeah. we auditioned her. Okay. We auditioned her. <laughs> okay. Okay. We, auditioned her. Uh -huh. we had a dance audition. We had an acting audition. And then mm -hmm. uh, she's just fit. She's perfect for that. Who's a better dancer, Sahil or Amrit? Amrit. <laughs> I, see, I would say Sahil. Anyway. He, he, he doesn't need a choreographer. He's really good at, with his freestyle movements. But yeah. Yeah, but she's been trained in lots of forms. Uh -huh. And in what forms of dancing have you been trained? Um, hip hop, ballet, tap, contemporary, even Kathak dancing, Bollywood, uh, lots of different genres. Uh -huh. Yeah, but not break dancing, which is what I had to learn for the film. Achha. So <laughs> I had all the styles covered, but not break dancing. Uh, ye sab dance forms? your um, uh, upbringing? I'm England. I'm from okay. England. Se uh -huh. Haan, my whole family lives in England. did you in the dance? Yeah, I actually studied dance um, uh -huh. for A level, which is the same as like, 12th standard. 12th yeah. standard. Okay. Yeah, over there. And then I did a degree in performing arts as well. That's

तो मैंने सोचा ये मुझे बताना चाहिए लोगों को होल थॉट केम अप और क्या इंसिडेंट था था uh, मैं ये करता बैटल्स डांस ऑफ्स कहते हैं यूके mm -hmm. uh, में तो वन ऑफ द व्हेन पीपल फाउंड आउट कि मैं इंडिया से mm -hmm. mm -hmm. कि इंडिया से से दे वेरी ऐसे डांस कैसे कर सकता है mm -hmm. <laughs> so, तो आई मतलब <laughs> तो तो आई केम बैक एंड रोट स्क्रिप्ट मतलब वहां पर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं जाकर फिल्म लिखूंगा और फिल्म बनाऊंगा लिखना डिसाइड डिसाइड कर लिया था अच्छा बनाना नहीं किया और एक्टिंग का शौक कब से चढ़ा एक्टिंग का भी शौक ऐसा नहीं था बट हैपेंड विद मी सो आई थॉट मी मैंने लिखी थी एक्ट बट आई वाज नॉट इट अच्छा mm -hmm. तो, तो फिर डायरेक्टर बनने का कैसे सोचा जी वो बहुत फिल्मी स्टोरी है वी वी हैड हैड हमने एक डायरेक्टर डायरेक्टर और और डीओपी को हायर किया था बट mm -hmm. uh, का क्रू हम यूके mm -hmm. तब जाके वेंट बैक बिफोर यू स्टार्टेड द वन वन डे या टू

और अगर इंडिया में शूटिंग होती तो शायद आप रिप्लेसमेंट लेकर आ जाते बिल्कुल बिल्कुल वहां पर थे तो वो भी मुश्किल बहुत मुश्किल था इनफैक्ट डीओपी लकीली एक मिल गया मुझे mm -hmm. एक दिन में yeah. जिसने विदाउट एनी रैकी जस्ट केम ऑन बोर्ड एंड आई टोल्ड हिम सर आई जस्ट नो एक्टली वी आईट्स फॉर अ डे and we okay. Yeah. resumed shooting. <laughs> uh, <laughs> uh, tha, uh -huh. But you uh, didn't get nervous, you didn't get nervous, you didn't get nervous, you didn't get nervous. It but... He didn't show it at all. Yeah, I mean, I didn't show because I had to keep them strong. Hmm. And they all... all which, my... which proves you're a good actor. Now yeah. there's <laughs> no more proof <proven laughs> required. <part. Yeah. laughs> but he did, he really turned the film set around. Um, it, it, it went from a very negative atmosphere to really, really positive. Everyone was like jumping for joy and... because he's a DJ as well he would like play a set before you know we started our scenes mm. for the day and everyone was just really really happy and i've always thought he would be the right director for the film मगर अब जब आपने फिल्म में काम भी किया है डांसेस भी किए हैं एंड डायरेक्शन में भी उतर आए हैं अब आपको क्या लगता है कि आप एक्टिंग पर ज्यादा जोर देंगे या डायरेक्टर बनेंगे या दोनों कंटिन्यू करेंगे जी मैं हमेशा डायरेक्ट करना चाहता था बट इतना जल्दी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं calling.

But even she was really gutted, wasn't she? Yeah, they wanted to do it. But then I went to London mm. two days before we were supposed to start rehearsals. Uh -huh. I met lots of uh, people. Uh -huh. I chose a choreographer from there. France, We got Sala, who, if you see the film, you'll know mm -hmm. he's one yes. of the best yes. dancers in the film. Amazing. Mm -hmm. so he was also offered Step Up, but he was also time. And the Michael Jackson tour. He was supposed mm -hmm. to do the Michael Jackson tour, obviously, before he passed Possibly. away. Uh -huh. Yeah. yeah. So anyway, so he came on board. So Ooh. we were lucky there. Yeah. So Ambrud, um director, who was not supposed to be the director. Aapki pehli film aapke Bollywood ki See, it's his yeah. film, so he will do anything. But for you, it was not your film. Didn't you really get nervous on that uh, you count? I actually felt it was my film, to be honest. He's always let me feel so involved in things. I've always been so passionate about this film. Even the moment that I even heard of it, I just believed in it 100%. And his the way that he does things, his treatment of the film is exactly my way of thinking as well. So it was really nice of him to let me be so involved. Bollywood I didn't think, but my friends did. So I was in a dance troupe, and all my friends used to say to me, they, they would look at um, Frithi azinta who was the heroine and they were like right you could do this you know you can <laughs> dance and you could you know you could act and you would be really good and you're half indian and I, that's when i think the seed got planted in my head like maybe one day i could do it, but i didn't quite believe it. yeah, now that you've acted in one film, what do you think this is your calling? i think acting is definitely my calling. i really love it. Mm -hmm. and, and that's what it comes down to. i'm so passionate about it and performing and dancing and singing. i don't know what's going to happen after this, but i can only hope that i get more films and. but since you're yeah. such a good dancer and you've all danced all your life, uh, was dancing for the film, for the camera, more difficult or acting? i think they both had their challenges. Mm -hmm. Uh, but again it was made easy for me by such a great director like he really really knows his characters so well and because mm -hmm. he wrote the film right. all the answers were there if mm -hmm. i ever had any questions i felt so comfortable to ask him mm -hmm. and um, i knew my character very very well mm -hmm. yeah so i just i just loved it mm -hmm. every minute of it we had mm -hmm. workshops two months of workshops before mm -hmm. they went to india India. mean you know yeah india mein. Magar sahil jab aapko

हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अगर आप में ये काबिलियत नहीं होती या ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप डायरेक्टर भी बन सकते हैं तो फिर क्या करते हैं तो मैं फिर फिर भी कोशिश करता I guess, <laughs> because, uh, उसके पहले मैंने स्टबिन इन दैट आईन लेट इट गो because uh, दूसरे फिल्म के ऑफर्स भी आए थे Uh, इस बीच में आपने रागिनी MMS 2 में एक मुख्य भूमिका निभाई वो कैसे हुआ जी वो एक्चुअली uh, uh, जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई गई थी mm -hmm. और uh, एक she, she, uh, she film, of, एक एक्चुअली शी 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 फिल्म, सम ऑफ़ मैंने शूट किया था अपना एंड uh, mm -hmm. mm -hmm. you know, देन mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, मुझे कैरेक्टर बताया mm -hmm. मैं जो प्ले करने वाला mm -hmm. हूँ तो बहुत uh, गंभीर इंटेंस

Uh, the first schedule में snow आ गया। it, it just started snowing, because okay. you know, otherwise there is no UK. Correct. So, yeah. like I told you, there were lots of difficulties. Lots of problems, but yeah. you also mounted all of this. Snowed more than it ever has done for 25 years. Yeah, mm -hmm. it snowed we were shooting, so it was very random. It was a record, yeah. Hmm. Oh. Or uh, London में shoot करना ज़रूरी था, या you could have recreated London in India? Uh, I wanted uh, it to feel real, okay? Because, uh, especially Sheffield, because the kind of town it is, mm. it's, it's. it's It's almost like a Jodhpur or Sikander kind of town mm -hmm. where there are only universities. Mm -hmm. So I wanted that feel. Okay. So I think for that feel, uh, we shot it there and we got that feel. Mm -hmm. Dance के ऊपर फिल्में India में बहुत कम बनती हैं। जब आप ये कहानी लिख रहे थे आपके दिमाग में ये बात आई कि डांस टोटली डांस पर बेस्ड एक फिल्म हाल ही में ए बी सी डी रिलीज हुई थी जिसका अब सीक्वल बनने जा रहा है ए बी सी डोंट डी टू बट अदरवाइज वी यू है जैसे हॉलीवुड yeah. में होती है स्टेप अप इज वन एग्जाम्पल तो तब आपने कभी ये सोचा था कि यू आर ट्राइंग टू

so yeah there was a lot of these questions raised by a lot of people ki, i don't know if it will work you shouldn't do it or tabi abcd you said the yeah nah? because ah. i met him mm -hmm. i had met him when i had uh, written this

the whole treatment with her hmm. thing eventually it took me about six months but then she was convinced and once she was convinced till now she's just so ab jab film release ho gayi she is very happy with what she has done she is because we are ha? getting really good response hmm. to be honest hame hmm. uh, expectations se zyada response mil raha hai because hmm. Hmm. we knew it's a nice film it's not correct. a bad film but uh, people are liking it hmm. Hmm. you know so all those questions that were raised ki <laughs> chal i'm sure they're getting answered correct And uh, you are getting more compliments for both of you. Are getting more compliments for your dancing or for your uh, performance as actors? It's mixed, I think. Uh -huh. It's uh -huh. mixed yeah. because some people people are really liking the dance. That's mm -hmm. good because it is a dance film. Sahi baat hai. But I think they've also liked everyone's performances, her especially her performances also. So, mm -hmm. ab you're shifting base to Mumbai because if Bollywood में in you have to live in uh, Mumbai. I don't know <laughs> what to say about that. I'm I do come back and forth for work projects, mm -hmm. and I have. But you, don't you have to.

I don't know. I just, I just want to just see, see how, how this does, and, and I, I want the next thing that I do, I want to be as passionate about it as I am yeah. about this film, because I think that's really important. I want to do work which I be, really believe in. Correct. Yeah. That's so. interesting. Sahil, newcomers' ke saath jab koi film hai, um, ek question mark, are hai ki ye film kon कार्पोरेट बैकिंग देंगे या नहीं रिलीज़ कैसे होगी जी. इन सब प्रॉब्लम्स का सामना आप लोगों ने कैसे किया ये भी यही स्टोरी थी फिल्मी स्टोरी थी हमें काफ़ी टाइम लगा बिकॉज लाइक यू सेड कि कोई स्टार एज ऑफ ये फिल्म में नहीं है बट ऑलवेज बिलीव कि डांस हमारा स्टार है बट वो लोगों को बिलीव करने में टाइम लग गया बट इवेंचुअली वी गेट वी गॉट पीपल ऑन बोर्ड वी गॉट एस एल एंड दे केम ऑन बोर्ड एंड दे बिलीवड इन द फिल्म आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर and then uh, one another miracle happened that mr srk decided to support us mm -hmm. which was the best thing that could have happened to the film mm -hmm. i think that really pushed the film at least for the audience mm -hmm. you know ki uh, if shahrukh is supporting a film correct it's a very big deal correct और शाहरुख के सपोर्ट से uh, क्या क्या फायदा हुआ आपके फिल्म को मेरे ख्याल में तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ बिकॉज इज द बिगेस्ट सुपर स्टार वी हैव एंड उसका हाथ अगर हमारे फिल्म में आ गया तो आई थिंक लाइक वी स्टिल ड्रीम और अब जब मैन अबाउट डांस रिलीज हो गई है अब यू एव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर नेक्स्ट आर यू गेटिंग मोर ऑफर्स एज एन एक्टर या एज एन एक्टर डायरेक्टर क्या है एग्जैक्टली exactly सीन क्या सीन है काफ़ी uh, uh, है बट <laughs> uh, मेरा पूरा फोकस इस पर था <laughs> तीन दिन पहले <laughs> <laughs> So I think uh, I'm going to take my time and decide. Like she said, I also want to do stuff I believe in. So maybe time lunga or decide karunga. Sequel is in the pipeline also. Sequel of Mad About Dance. Oh. So abhi isari and decide karunga. I think tomorrow is I'm going to have a meeting with everyone and decide. चलिए ये विशिंग यू बोथ ऑल द वेरी बेस्ट एंड सीक्वल बनना चाहिए दूसरी फिल्में भी करनी चाहिए एंड यू बेटर थिंक अबाउट सेटलिंग इन इन बॉम्बे इफ यू वांट टू मेक अ करियर बॉलीवुड मेरे ख्याल से साहिल ने आपको काफी समझाया होगा ही <laughs> इंटेलिजेंट hey, है ऑल द बेस्ट ऑल यू तो दोस्तों ये थी लीड पेयर मैड अबाउट डांस की अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है प्लीज गो एंड वॉच इट फॉर दीस टू न्यू कमर्स बहुत मेहनत की है इन्होंने एंड बहुत पैशन के साथ ये फिल्म बनाई है द डांसर्स आर टू डाई फॉर दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव कोई हो तो प्लीज डू राइट एन टू अज बॉलीवुड बिजनेस एट जी नेटवर्क डॉट कॉम एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा तो उठाइए अपना मोबाइल फोन टाइप कीजिए स्पेस छोड़िए टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव पर यू कैन फॉलो ट्विटर एट ईटीसी बॉलीवुड दिस इज कोमल नाहटा यू